फोटो को राम राम क्या खाऊं क्या बनाऊं के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गया हूं दिल्ली वालों की मशहूर रसोई की दुकान पे। यहां पे हम रोटी थाली स्पेशल रोटी थाली 60 रुपए में ट्राई करेंगे, जो जिसमें मिलता है 4 रोटी मिलता है, चावल मिलता है और 3 सब्जी मिलती है और सलाद मिलता है। अंकल के पास और भी वेराइटीज ऑफ फूड है, आप देख सकते हो राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, छोले चावल है, मटर पनीर है, शाही पनीर है, मखनी है, दाल मखनी है, चाप है, कढ़ाई पनीर है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल पुदीना रायता। अंकल ने वैन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रखा है और हमारे जो अंकल है मैं अंकल से आपको मिलवाता हूँ। तो ये है हमारे अंकल। नमस्ते अंकल, कैसे हो अंकल, कैसी तबीयत है? बढ़िया। कब से लगा रहे हो अंकल? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। क्या क्या रखते हो अंकल? ये सारा सामान जो लिखा हुआ है सारा सामान अवेलेबल है, हर रोज अवेलेबल रहता है? अच्छा, कौन बनाता है अंकल खाना? मेरी वाइफ। आप और आप यहाँ पे आके सर? दोनों मिलके बनाते हैं। अच्छा, दोनों मिलके बनाते हैं। चलिए, तो इस टाइम सारी चीजें खत्म होने को है कि हैं अभी? खत्म होने को है। तो थाली तो लग जाएगी हमें? कोई बात नहीं, हम खा लेंगे, वही खा लेंगे हम। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थाली लगवा के। अच्छा, शाम को 4 बजे? 10:30 बजे आते हो, 4 बजे खत्म हो जाता है। चलो, बाबा की कृपा है। जय हो, जय हो। आप लोग खा चुके हो? कैसा लगा आप लोगों को टेस्ट, कैसा लगा? बेहतरीन खाना था। घर का है, थोड़ी घर जैसे स्वाद आता है। थोड़ा स्वाद नहीं आता, वो पूरे ही घर का बनाते हैं, वो कह रहे हैं पूरे ही। बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अद्भुत खाना था, बहुत ही। क्या बात है। तो कस्टमर आप रिव्यू देख सकते हो, हमने तो हम आए हैं खाना खाने के लिए और अंकल की हर तरफ से तारीफ। क्या नाम है अंकल जी आपका? लक्की दुर्गा। लक्की दुर्गा, यहाँ पे प्योर वेज का? अच्छा, चलिए फिर थाली लगा दीजिए हमारी, हम ट्राई करेंगे। तो ये आ गई हमारी रोटी। भाइयों ने बताया कि बिल्कुल घर जैसा खाना है। ये आ रही है चावल है, रोटी और चावल आ गई। और ये आ गई हमारी दाल मखनी और ये आ गया हमारा राजमा। जय हो, जय हो। और अब देखते हैं अगला क्या है। छोले, ये आ गया छोले। 3 सब्जी हो गई और चावल हो गया और रोटी हो गई। ठीक है, ये आ गई चाप। अंकल हमारे सब टेस्ट करवा रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, 3 सब्जियां आती हैं। ये आ गई कड़ी, कड़ी। अभी सूखी सब्जी खत्म हो गई, पनीर खत्म हो गया। तो कुछ सब्जी जो है वो खत्म हो गई, बट अंकल का प्यार है कि अंकल ने 3 सब्जी की जगह में 5 सब्जी दे दी है। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके सारी चीजें बताता हूँ। एक इसका प्याज है, ये इसकी ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। क्या बात है, सिर का प्याज और चटनी। नॉर्मल प्याज, ये नॉर्मल प्याज है, वो सिर का वाला प्याज। ये कौन सा वाला है? तो हम टाइम निपट रहा है, जब सब कंप्लीट हो गया तभी पहुंचे हम। मसाला कौन सा मसाला है आप बताएंगे ना? ये अपनी अपनी है। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है अंकल ये सब बनाने बनाने में? 6 घंटे। अंकल ने अभी एक बात बोली, कह रहे सुबह लगते हैं बुड्ढा बुड्ढी। क्या कहा, बुड्ढा बुड्ढी नहीं अंकल, बोलो गुड्डा गुड़िया। कितने साल के अंकल? 58 साल के हैं। माता जी बनाती हैं, अंकल आते हैं सर्व करते हैं। जो गर्म करने की व्यवस्था होती है गर्म वहाँ पे हो जाता है, डस्टबिन वहाँ पे रखा है, पानी की व्यवस्था हो रही और रेट लिस्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है और रेट लिस्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और हमारे जो प्यारे से अंकल हैं इस तरीके से होते हैं और सर्व करते हैं। घर की बनी हुई रोटियाँ हैं, बहुत सॉफ्ट होती है। सबसे पहले मैं दाल मखनी के साथ टेस्ट करता हूँ इसको। नहीं, दाल मखनी के साथ आप अभी टेस्ट करके बताएगा। ये छोले सिरके वाली प्याज सरकारी, इसके साथ और भी अच्छा लग रहा है, मैं आपको बताऊंगा। एक काम करो, थोड़ा दो उसमें डालो। अच्छा, प्याज डालो। किसमें डालो?
चम्मच से लूँगा और ग्रेवी उसके लिए गजब टेस्ट है गजब। जिस प्याज से अंकल खिला रहे हैं ना आप, यहाँ आओगे तो बार बार आओगे, ऐसा लग रहा है जैसे घर ही पे बैठ के खा रहे हो। रात में टेस्ट करके बताता हूँ। और अंकल ने बहुत अच्छी चीज बताई, आप ना थोड़ा सा प्याज और ये डाल दो इसमें, थोड़ा सा डाल दो और अब टेस्ट करो। हाँ याद रखना, ज्यादा मत डाल लेना वरना खट्टा ज्यादा हो जाएगा, फिर उसमें हमारी गलती नहीं होगी। हल्का डालना है। हर चीज इतनी परफेक्ट, नपातुल्ला हाथों जैसे। हाँ ये मसाला भी होते हैं अंकल को भी दिखा दो, मसाला का टेस्ट है ये, आपको ये डालो। अच्छा अंकल इतना नपातुल्ला हाथ कैसे होते हैं? चार साल हो गए, आइडिया हो गया ना आपको। ऐसे डाल दो ना, हम सब चीज डालते हैं इसमें, डालते हैं प्लेट के अंदर, इतना नमक इतना मिर्च इतना मसाला ये अलग डालते हैं, वो आइडिया है पूरा कुछ आप डालते हैं, ऐसे डालो खाया डाल दो, वो काम नहीं करते। तो अंकल आप क्या कहते हो कि कढ़ी में भी ये डालते हैं क्या? अल्लाह देखो हरी मिर्च ले लिया, इसमें डाल लें। यहाँ दीवाने कड़ी और राजमा के दीवाने बोल रहे हैं, सुपर खाओ आइडिया हो जाएगा। भाई हमारी किस्मत थी जो हमको शाम भी से आ रहे थे और हमें मिल गए अंकल, थैंक यू सो मच अंकल कि आप यहाँ पे लगाते हो। चार साल हो गए अब, एक बार रायता भी गजब चीज है, गजब 60 रुपए में इतना कुछ, आप सबको आना चाहिए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप यहाँ जरूर आओ, सब खाने के बाद आप यहाँ गुड़ ले सकते हो, एक गुड़ रखा है। जो सरदार जी का नेचर है वो इतना प्यारा नेचर है, इतना प्यारा नेचर है, इतना अच्छा नेचर है, आप लोग खाओगे तो आप खाते ही रह जाओगे। आप अभी यहाँ टेस्ट करेगा, वीडियो लंबी होती है तो हो जाए, पर ये यार टेस्ट करके अपने को ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जिस प्यार के साथ अंकल खिला रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, वाकई बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब अभी कर रहा है टेस्ट, छोटे छोटे कॉल लियो अभी दाल मखनी। हाँ आपको भी चीज़ आइए 11-12 बजे लगभग, फिर आपको सारी रेडी मिलेगी, रेडी क्या करूँगा आइए, और आपको यहाँ पे लोग मिलेगा खाते भी मिलेगा, यहाँ पे सुबह सुबह ऐसी होती है। हम थोड़ा लेट हो गए यहाँ आने पे, इसलिए जाने का टाइम है, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए। अब है दाल मखनी के साथ कैसा लगा? दाल मखनी भी अच्छी लगी। और छोले के साथ भी खा लिया तूने? छोले के साथ भी अच्छा लगा। ये खा चाप चाप खा। अच्छा दाल मखनी इतनी बढ़िया लगी? अच्छा अच्छा सच बताओ मैं नजर नहीं लगा रहा, पर अंकल पे बाबा जी की कृपा है, भगवान की कृपा है अंकल पे, जो इतना स्वाद बना रहे हैं, इतना और बना घर से भी अच्छा खाना बना रहे हैं। हाय 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 हाय, घर से भी अच्छा बना है। नहीं एक तो खाना अच्छा, ऊपर से आपका खिलाने का ढंग अच्छा। अब यह चाप कैसी लगी? बहुत किस्मत वाले हम जो यहाँ पे आ गए और खाना हम खा पाए। और ये लो एक बार ऐसे भी खा है जैसे अंकल ने बताया। बहुत बढ़िया कढ़ी खाई है, मैं कढ़ी
कड़ी बची है मुझे, कड़ी भी खा, कड़ी इसके साथ कब मेरे को बहुत तगड़ी है। किसके साथ? हाँ दादा 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 हाँ दादा दादा बस मैं बताऊँ आपको, यहाँ से अगर 10 गाड़ियाँ जा रही है ना यहाँ से, तो मैं बताऊँ 6-7 गाड़ियाँ तो यहाँ रुक रही है अंकल के पास। गाड़ियाँ जा रही हैं, खाने में व्यवस्था कैसा लग रहा है? सारी वैसे मैं कम खाता हूँ पर कड़ी आज बहुत बढ़िया, हर चीज अच्छी लगी, हर चीज अच्छी लगी। और अंकल का व्यवहार कैसा लगा? व्यवहार बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। तो मेरे छोटे भाई ने एक चीज ये भी बताई है कि घर का तो अच्छा लगता है पर यहाँ पे हमें घर से भी ज्यादा अच्छा लगा, और वाकई ये सच बोल रहे हैं, यहाँ पे हमें घर से भी ज्यादा अच्छा लगा है। ये देखो कितने प्यार से सर्व करते, कितने प्यार से, क्या दिलेरी है, सारा खेल दिलेरी का है, हर खेल दिलेरी का है। ऐसा व्यवहार हो तो कस्टमर अपने आप खिंचा खिंचा चला आएगा। आपको कैसा लगता है टेस्ट? छोले बहुत बढ़िया अंकल, छोले छोले बिल्कुल पंजाबी। और व्यवहार कैसा लगता है अंकल? बहुत बढ़िया व्यवहार अंकल, क्या बात है। अंकल के खाने से ज्यादा तारीफ हो रही है व्यवहार की, अंकल की क्या व्यवहार है, इतना प्यारा व्यवहार और इतनी दिलेरी के साथ फूड सर्व करना, वाह, मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं अंकल के इस व्यवहार के लिए। आप लोग अगर कौशाम्बी की तरफ से आते हो ना, यशोदा हॉस्पिटल के सामने पिलर नंबर 191 के सामने अंकल जी रहते हैं, जरूर आएं और जरूर खाएं और जरूर ट्राई करें। नॉर्मली कहते हैं कि घर वालों ने अच्छा बनाया होगा, पर मैं बताऊं पूरा रूप से इन पे बाबा की कृपा है और कुछ नहीं, सिर्फ बाबा की कृपा है। भगवान करे ये खूब तरक्की करें और ऐसी तरक्की करते रहे। व्यवहार देखो इन अंकल का, सर्व करने का तरीका देखो, प्यार प्यार देखो, क्या बात है यार। मैं 135 वीडियो बना चुका हूँ पर मुझे इतने अच्छे व्यवहार वाले अंकल कभी नहीं मिले। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे खाने खाने आएंगे भाई, जाते हैं इंद्रापुरम में, इंद्रापुर से यहाँ खाने रोकेंगे, 2 मिनट खाने, दाल चावल कोई नहीं खाते, वो दाल खत्म हो जाए तो किसी दिन तो राजमा खाएंगे, तो दाल चावल ठीक सर। तो आप देखो मैं यहाँ पे ना कुछ भी वेस्ट नहीं करूँगा, इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा व्यवहार, मेरे को ये इतने अच्छे इंसान लगे, इतने बढ़िया इंसान लगे, मतलब सही बताऊँ इनपे ना बाबा की कृपा है। मैं समझ गया अंकल क्या कह रहे हैं, अंकल क्या कह रहे हैं, मैंने बोला ना कि मैं यहाँ पे कुछ छोड़ के, मेरे अंदर से आया कि मैं यहाँ पे कुछ छोड़ के नहीं जाऊँगा, पर अंकल ने बोला क्या, अंकल ने पहले ही बता दिया। कैसे लोग आते हैं भाजी, अब रोटी खाने आए थे तो यहाँ ना भर गया, आखिर अभी खा ली है, अभी आज पूरा प्लेट पैक करके दिए आदमी को, जब वो खाने खाना खाने आए थे यहाँ पे। अच्छा, आज सुबह फिर उन्हें घर फोन किया होगा, कोई होगा फंक्शन, पूरा प्लेट पैक करके ले गया। अब राजमा की कढ़ी जो है अभी ये क्या सारी मिक्स कर दी? सब मिक्स कर दिया है ना भाई, ऐसे 2 भैया आते हैं, एक भाई बंगाली होगा वो, अच्छा वो जी ऐसे लेता है यहाँ पैगा छूट वहाँ बैठेगा आगे जाके, अच्छा वो खाता है हाथ। जो खा रहे वही मजा ना, किसमें नहीं है सान लिया भाई, ठीक है एक टेस्ट ऐसा भी हो जाए। बहुत बढ़िया स्वाद है, बहुत बढ़िया, ये सिंपल खाना है, लोग यहाँ पे 4 साल से खाना खा रहे हैं, उनका पेट का बुरा कभी नहीं होता ना, का पेट बढ़ता, सिंपल खाना खाते हैं नॉर्मल, कभी मुझे खा लेते भाई अपने नाम खा लिया हालत खराब हो गया नहीं खाना, दिल छुट्टी मारे तो संडे को नहीं आता, मैं यहाँ संडे को नहीं आता, संडे को छुट्टी है।
तो अब 10 में से नंबर दे अंकल को। अंकल को तो 10 ही है, उससे ज्यादा ही है अंकल को। अंकल के प्यार को अलग से, अंकल को अलग से, अंकल की बातों को अलग से। बर रायते को फुल, सब फुल। ऐसा कहीं मिलेगा नहीं आपको, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं को नहीं मिलेगा सर। ये जोर गिरेगा, जब 100 रुपये गिराओ 50 चलेगा गिरेगा। यहाँ रहता भी नहीं, काफी लोग गाड़ी खरीद चुके हैं भाई। अगर लोग क्या कर रहे हैं तो आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और प्रणाम सभी को।